प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हिरनी जैसी काली आंखें जिसकी, वो है कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। पांडे जी ने विवाह की तिथि बतलाई तो टाल मटोल मत करना। प्रवीर की कुन्नी के होने वाले पति की बदली आपको दिल्ली करवानी होगी। पंडित जी से पन्ना खुलवा कर मैंने शादी की डेट फिक्स कर दी है। 15 अप्रैल की तिथि तुम दोनों को ठीक रहेगी। चाहे जो हो, तुम्हें सुननी ही होगी मेरी मेरी राम कहानी। इतने सालों बाद एक ही फ्रेम सामने आया। हम किन्नी को चुप छोड़ कर आए थे। पन्ना रो रही थी और डॉक्टर रोजी, जिसके साथ हम जा रहे थे नैनीताल। हम कृष्णकली, वेलकम टू देवदार कोठी। आ जाओ बेटा, संभल के आ जा। यहां मैं अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हारे घर के नजदीक रोजी विले है, वहां बिशप लियान रहते हैं। उसी के नीचे लाल छत वाले बंगले में एक पहाड़ी परिवार है, भले लोग हैं। पन्ना, मैंने सोचा इस एकांत में तुम्हारे मन का सारा मैल निकल जाएगा। खुद की पहचान होगी। डिफिकल्ट है ये, बट इम्पॉसिबल नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। जीसस विल गिव यू स्ट्रेंथ। और कली? रेवरेंड मदर से मेरी बात हुई है। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो रोजी? कल जल्दी जाना है, सुबह की अपॉइंटमेंट है। कृष्णकली का सारा इतिहास रेवरेंड मदर को पता है। अगर उसका कोई बुरा असर पड़ा तो?
फॉर्म भरते समय समझ में नहीं आया सरनेम क्या लिखूं, खान या मजूमदार, तो गुड मॉर्निंग मदर, तो मैं कह रही थी रेवरेंड मदर ने ही सजेस्ट किया कि मजूमदार लिखो। बाकी सब ठीक है, बट आई डू हैव वन कंडीशन। काली सेड मिशन विल बी कंफर्म्ड ओनली इफ यू एग्री टू हैव हर ब्लड टेस्टेड। काली की ब्लड टेस्ट करवानी होगी। हम करवा लेंगे ब्लड टेस्ट। मुझे बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजा जा रहा है माँ? स्कूल नहीं जाओगी तो वहीं की वहीं रह जाओगी। पीली कोटी नहीं जाएंगे। तुम जो स्कूल में जा रही हो वहां तुम्हें बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, खूब खेलोगे तुम उनके साथ। शिक्षा पाकर बहुत नाम कमाओगी तुम, बहुत बड़ी बनोगी। बड़ी की तरह Come, my child. आज से तुम ये ही रहोगे हमारे साथ। I hope you will be very happy in this school. And one day, school will be so proud of you. Come. Come. दिन निकल जाएंगे पन्ना, थोड़ा धीरज रखो, गॉड विल ब्लेस हर। कली गई, तुम भी जा रही हो रोजी, मैं एकदम अकेली यहाँ। नो पन्ना, गॉड इज विथ यू। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, अब तुम यहाँ हो। यहाँ मैं अब पीली कोठी की पन्ना बाई नहीं हूँ, बस कली की माँ हूँ। हाँ, जो बीत गया सो काल के अंधेरे में लुप्त हो गया। Like a diamond in the sky.
चलो ना। डियर सिस्टर रोजी, कृष्णकली मुजुमदार तुम्हारी वार्ड ना होती तो मैंने कब का इसे हटा दिया होता। इस लड़की को बनने सवरने में जितनी रुचि है, उसकी आधी भी यदि पढ़ने में होती तो ये हमारे कॉन्वेंट का नाम उज्जवल कर देती। ऐसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट अरसे से नहीं आई, पर इस छोटी कृष्णकली की कुटिल हरकतें देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ। विश्वास ही नहीं कर पाती कि ये वर्जिन मेरी जैसे भोले चेहरे वाली बच्ची ऐसा कुछ कर सकती है। कहाँ कमी रह गई हमसे? बचपन से लेकर इस किशोर अवस्था तक की एक एक सीढ़ी ये हमारी ही उंगली पकड़कर चढ़ी। मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस के साथ साथ विधाता ने कृष्णकली को जबरदस्त इंट्यूशन भी दी है, और इसीलिए शायद ये समझ गई है कि इसके जन्म के पीछे अवश्य कोई रहस्य है। फर्दर डिटेल्स व्हेन वी मीट, तुम्हारी रेवरेंड मदर। मदर, मैंने मेरे पिता को आज तक नहीं देखा, ना ही मैं कभी उनसे मिली हूँ, और मैंने उनकी तस्वीर तक नहीं देखी आज। क्यों? Calm down, my precious child. Let me introduce you to your father. Come. तुम्हारा, मेरा, हम सब का, सारा युग का पिता। And when you go home for the holidays... नहीं, मुझे यही रहना है। मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे यही रहना है। क्या हुआ कली? तुम भी छुट्टियों में घर चली जाओगी तो मैं किसके साथ खेलूंगी, किसके साथ बातें करूंगी? एक तुम ही तो जिसे मैं... तुम नहीं जा रही हो छुट्टियों में घर? नहीं, मुझे घर नहीं जाना, नहीं जाना चाहती वहां मैं। तुम एक काम करो ना, इस बार छुट्टी में तुम मेरे साथ मेरे घर में आओ ना, वहाँ पर हम खूब खेलेंगे, शिकार पर जाएंगे और सिनेमा भी देखेंगे। लेकिन तुम्हारी आंटी? वो बहुत अच्छी है, मैं उनसे कह दूंगी कि मेरे सबसे अच्छी दोस्त मेरे घर में आएगी। अब हंसो ना। प्रिय पन्ना, मुझे लगता है कृष्णकली की जिंदगी की डोर हमारे हाथ में रखने की पूरी कोशिश हम करते आए हैं। पूरी कोशिश हम करते आए हैं, लेकिन एक अदृश्य धागा शायद विधाता ने अपने हाथ में रखा है।
चाहने पर भी न रेवरेंड मदर इसे अनुशासन में बांध सकती है, न मैं और न ही तुम। कॉलेज तो मैं यहाँ जाऊंगी नहीं, फैजाबाद चली जाऊंगी। फैजाबाद? वहाँ कौन है? विवियन के पिता वहाँ के डीएम हैं। लिखा है हम एक शूटिंग के लिए भी ले चलेंगे, वो शिकार के शौकीन हैं। और विवियन के आंटी इलाहाबाद में रहते हैं। अरे कौन है ये विवियन और उसके पिता? भला कोई भी हो, तुम्हें उनसे कुछ लेन देन नहीं। वो कौन है वो तो तुम्हें नहीं पता, पर मेरे पिता कौन है ये भी तुम नहीं जानती। स्कूल में ये सब सीखा है तुमने? बड़ों से इस तरह बातें करते हैं? तुम मेरा सवाल टाल रहे हो माँ, मुझे मजुमदार बनाना वाला आखिर है कौन? तुम्हारे नाम के पीछे कोई रहस्य नहीं है। तुम्हारे पिता से मेरी नहीं बनी और हम अलग हो गए। अब वो कहाँ है, क्या करते हैं, मैं कुछ नहीं जानती। सच बता कली, मैंने कभी तुम्हें पिता का अभाव खटकने दिया है? कौन सी ऐसी चीज है जो तुमने मांगी और मैंने नहीं दी? रेवन मदर ने मना किया था मुझे, कहा मैं बिगाड़ रही हूँ तुम्हें, पर मैंने उनकी नहीं सुनी। कितने बार दोहराओगी, सुन सुनकर कान पक गए हैं मेरे। तुम बड़ी डिफाइंट हो रही हो, ऐसे भी कहा था रेवन मदर ने। मैंने उन पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें मदर क्या चाहती थी कि मैं उनकी धमकी चुपचाप सुन लो। एक बात बताओ पन्ना, हर रोज देर से आती है कली, सो लेट। व्यर्थ है कुछ कहना। कहाँ जाती है इतनी देर तक? क्या बता, कहती है ललिताल मल्लिताल गई, कुश्ती की सैर करने गई, सिनेमा गई। हर रोज? हेलो कली, इतनी देर कर दी? कुछ ही दिन पहले माली की बंधी गाय को खूटे से ले गए आदमखोर। मैं कोई खूटे से बंधी नहीं हूँ और मुझे खाने वाला आदमखोर अभी तक पैदा नहीं हुआ। मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है, मैं चाट खा के आई हूँ। कली देखा, रोजी आंटी आई है तुमसे मिलने। इस उम्र में तो कम से कम झूठ मत बोलो माँ। मिलने नहीं, क्वेश्चन करने, बेकार की प्रीचिंग करने आई है। कहो। उम्र ही ऐसी है पन्ना, अपने आप ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। यही सोच सोच कर तो
दिन बिता रही हूँ। माँ, एक दोस्त ने लंच पर बुलाया है, बाद में सिनेमा, रात तक लौटूंगी। अरे हाँ, तुम्हारे विद्युत रंजन के बारे में आजकल पेपर में जोरों से चर्चे हैं। मन करता है कली को बता दो, ये है तुम्हारे पिता विद्युत रंजन मजुमदार। गर्दन पर सवार होकर सारा मंत्रिपना निकाल देगी। हेलो, क्या मैं विद्युत रंजन मजुमदार से बात कर सकती हूँ? आप कहिए कहिए पन्ना मजुमदार। हेलो, हाँ जी मैं वेट करती हूँ। जी मैं पन्ना रंजन, मैं हूँ पन्ना। क्या जाने क्यों इतना डरती है वो, खुद पे भरोसा न करती।